एवरीवन, वेलकम टू बेसिक कॉन्सेप्ट, बैक टू बेसिक्स। हमारे इस सेगमेंट के अंदर आपका स्वागत है और हमारी जो बेस्ट 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 23 आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसके पहले के 22 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर जरूर देख लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको हमारी क्लासेस को नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी जो एग्जाम्स के अंदर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। आपका जो जीएस वाला सेक्शन है, इसके अंदर काफी आपको इससे हेल्प मिलेगी, काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? और 20 एमसीक्यूज होंगे आपके लिए, और 20 एमसीक्यूज को आपको अटेम्प्ट करना है। 20 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं आपको चेक करना है उसमें। चलिए तो शुरू करते हैं, और कमेंट करके हमें अपने अपने आंसर बताइएगा। शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है या ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? अबुल कलाम आजाद, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? चलिए इसका आंसर कीजिए, और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ठीक है, किस प्रकार की कुंजी होती है, किस प्रकार की कीज इनको कहा जाता है? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट? किस प्रकार की कीज होती है ये, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वाली जो आपके सिस्टम में होती है कंप्यूटर कीबोर्ड पे? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मॉडिफायर होती है। इन कीज को क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है, अनंत सायनम, शरद महाजन, मावलंकर या जाकिर हुसैन? देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मावलंकर जो है उनको क्या कहते हैं, लोकसभा का जनक, फादर ऑफ लोकसभा, याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका स्टेटिक वाले पार्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी? रॉक गार्डन कहाँ पर अवस्थित है, किस शहर में है, शिमला में, जयपुर में, लखनऊ में या चंडीगढ़ में? चलिए रॉक गार्डन, और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चंडीगढ़ जो है, ठीक है, उसके अंदर है, ये हमारा ध्यान में रखना है आपको, रॉक गार्डन चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में सबसे अधिक पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है मनुष्य के अंदर? पोटेशियम 40, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या प्लूटोनियम 238? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात की जा रही है, देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम 40 जो होता है वो मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस का। अगला क्वेश्चन है आपका, मैरी क्यूरी ने किन श्रेणियों में अपने, ठीक है, दो अलग अलग नोबल पुरस्कार जीते हैं, तो कौन सी श्रेणी है जिनके अंदर उन्होंने, कौन सी कैटेगरी है जिनके अंदर इन्होंने दो अलग अलग नोबेल जीते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और मेडिसिन, फिजिक्स और मेडिसिन या केमिस्ट्री और पीस, पीस मतलब शांति। चलिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, साइंस से जुड़ी हुई थी, साइंस की फील्ड से थी, और इनको याद रखना है आपको, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से इनको नोबेल प्राइज मिला था दो अलग अलग विधाओं के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई, 31 मई, 1 जून, 5 जून? चलिए इसका आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट जो डेज है आपके उनको भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 31st ऑफ मई को तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर कौन सा वाला, विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड टोबैको डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोक चित्रों की एक शैली है मधुबनी,
वो भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? मधुबनी, काफी फेमस है ये। ठीक है, चलिए, लोक चित्रों की एक शैली है, तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार जो है वहां की ये फेमस है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल के एक तांबे के रथ की खोज की गई थी कहां से? लोथल, राखीगढ़ी, देमाबाद या बनावली? ठीक है, एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, वो कहां से मिला है हमें? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देमाबाद, महाराष्ट्र जो है वहां से हमें, ठीक है, एक तांबे का रथ, ठीक है, ये प्राप्त हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, और देमाबाद कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है, सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? कौन सा अमेंडमेंट था वो? 36, 39, 40 या 42? कौन सा संशोधन था जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग में शामिल कर लिया गया? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 36 अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत क्या किया गया था, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चाइना मैन शब्द जो है उसका संबंध किस खेल से है? चाइना मैन, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ या क्रिकेट? चाइना मैन, इसका सही देखिए आंसर क्या होगा, और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट है। ठीक है, क्रिकेट के अंदर शब्दावली का यूज किया जाता है, ठीक है, लेफ्ट आर्म जो बॉलर होता है स्पिनर, अगर वो स्पिन करवाता है लेग स्पिन तो उसको चाइना मैन कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, से नहीं गुजरती है, क्लियर, आपको बताना है कौन सा देश है जहां से जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होती है? क्लियर, भारत, मिस्र, मैक्सिको या ईरान, कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक, ये पूछा गया है, और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ईरान, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड मैप के ऊपर, ठीक है, आपकी जो तीनों लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, और इक्वेटर, ये किन किन देशों से गुजरती है ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है लंदन में, वियना में, पराग्वे में या वॉशिंगटन में? चलिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एजेंसी, इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली में प्रचलित प्रणाली से उधार लिया गया है, ठीक है, तो कौन किन लोगों की प्रणाली थी जिसको उधार माना जाता है एक प्रकार से? फारस, मंगोलिया, अफगानिस्तान या तुर्की? चलिए, मनसबदारी प्रणाली का बात पूछी जा रही है, ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, मंगोलिया के अंदर क्या हो रहा था, मंगोलिया से लिया गया है ये मनसबदारी प्रणाली है, इस प्रकार से उसका प्रचलन माना जाता है पहले। पूरी तरह से संगमरमर से बनी, ठीक है, पहली मुगल इमारत कौन सी थी जो पूरी तरीके से किससे, मार्बल से बनी है? ताजमहल, मोती मस्जिद, हुमायूं का मकबरा या इमाद उद दौला का मकबरा? और देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का जो मकबरा बनाया गया था ये सबसे पहली क्या थी, इमारत थी जो संगमरमर से बनी थी, पर कौन सी, मुगलिया इमारत थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के अंदर पहले कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी कब? 1542, 1601, 1861 या 1880? पहली आपकी पेपर करेंसी या कागजी मुद्रा? देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1861, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक
ठीक है, कागजी मुद्रा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्या आपको बताना वो कौन सी चीज है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए यूज की जाती है, ठीक है, वेब पेजेस को देखने के लिए। क्लियर, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, साइट, होस्ट, लिंक या ब्राउजर। चलिए जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट। तो देखो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ब्राउजर होता है उसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जो वेब पेजेस होते हैं उनको आप देख सकते हो, उनको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर, आप अपने सभी आंसर कमेंट में हमें लिखकर बताइएगा, ठीक है, कि आपको कितने मार्क्स आए हैं 20 में से। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक जो है वो दाएं से बाएं लिखी गई है, ठीक है, या लिखी जाती थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, नंदनगरी या शारदा। चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट। और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खरोष्ठी जो थी उसको कैसे तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। चलिए चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1909 या 1892। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके तहत क्या किया गया था, पहली बार लोक सेवा आयोग जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी शुरुआत एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी रिवर है जिसको बंगाल का शोक या बंगाल का दुख कहा जाता है, सॉरो ऑफ बंगाल जिसको कहा जाता है, इसको शोक भी कहते हैं, सोन, दामोदर, हुगली या कोसी। चलिए बढ़िया आंसर क्वेश्चन है इसका, जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर जो है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का दुख, शोक या सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पानी अभ्यारण कहाँ स्थित है, दीफू असम, गंगटोक सिक्किम, जूनागढ़ गुजरात या कोहिमा नागालैंड। चलिए तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दीफू असम, ठीक है, असम के अंदर ग्राम पानी अभ्यारण्य सेंचुरी है, ठीक है, ग्राम पानी सेंचुरी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका काजीरंगा भी है, मानस भी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए तो इस प्रकार से आज का हमारा सेगमेंट होता है कंप्लीट। यदि आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। क्लियर, चलिए कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, या आपको कमेंट करके बताना है हमें कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से हमारा अगला सेगमेंट आएगा और मिलते हैं अगले सेगमेंट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, जय हिंद।